बेटी के जन्म लेते ही उसके दहेज के लिए पिता अपने खून पसीने की कमाई दिन रात की पाई पाई इकट्ठी कर कन्यादान के साथ दहेज देने में बिल्कुल संकोच नहीं करता। ससुराल पक्ष की मांगों के आगे सर झुकाकर खड़ा रहता है, तो वही दूसरी ओर दहेज के लालची लोग बेटे की बोली लगा अपनी अपेक्षाओं को और बढ़ाने लगते हैं। यही कारण है जिस दहेज को आज समाज ने अपनी बाहें फैलाकर गले लगाया है, उसी की भेंट कई बेटियां चढ़ती थी हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी चढ़ती रहेंगी। एक ऐसा मामला नूह जिले की नई अनाज मंडी से सामने आया है, जहां पिता ने पूरे जीवन की कमाई बेटी की दहेज देने में खर्च कर दी और ससुराल पक्ष ने रिश्ते से ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें तो गाड़ी और महंगा सामान चाहिए, नहीं तो दिया हुआ सामान भी अपने पास रखो। शादी के कार्ड बट गए, रिश्तेदार समारोह में सम्मिलित होने के लिए आ गए, हलवाई बैठ गए, दुल्हन दूल्हे का इंतजार करती ही रह गई, लेकिन खबर आई तो ये कि अब शादी नहीं हो सकती। साहबुद्दीन के मुताबिक 1 जुलाई को उनकी बेटी की शादी होनी थी। दहेज का सामान लेने के लिए लड़के वालों को ही वो साथ लेकर गए थे, सब उन्हीं की पसंद का था, लेकिन फिर अचानक फोन आया कि आपने हल्का सामान दिया है, या तो भारी और अच्छे सामान के साथ गाड़ी भी दो। उन्होंने लोन लेकर अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज का सामान इकट्ठा किया था, लेकिन आज सुबह ही फोन आया कि लड़की पक्ष ने सारा सामान नूह की नई अनाज मंडी में रखवा दिया है। सामान उन्होंने कहे थोड़ा सामान है तो हम घनो सामान और दे और किना दे रहे। मैंने तुम काल किना लियो सामान, तुम काल भरवायो हमन उन सामान। और काल कहता हमन सो तो जा रहे हैं, काल होते जब से लेकर चले गए, फिर घर जाकर उन्होंने कहा हम उन बन को भैया पतना। किसकी शादी थी, कब की शादी? मेरी लड़की की शादी पहली तारीख की, आने वाली जो पहली तारीख है, 7 महीने की पहली तारीख की मेरी लड़की की शादी। ठीक है, सामान थोड़ा दिन। मैंने कहा तमन जब तो नौकरी, हम तो बेटी बेट चाहिए, हमारे तो कुछ ना चाहिए, हमन तो हमर कोई मांगना है या तुम झोली वोटी में ले। मैं भी बीमार हुए पड़ो, मेरी बीमारी में रुपये लगे पड़े सट्टे टे, कोई फायदा सारे हो आज जब लेकिन तू रिश्तों कर, तो कोई बात नहीं, 2 साल में कर दीजिए ब्याह। मैंने रिश्तों कर दिया, 9 में रिश्तों करो जहीन, और फिर जा बस पीछे जा अभी नुकब तो ब्याह कर, अभी कर ब्याह, मेरे पर रुपया ना। फिर जनाब मैंने लोन निकलवाई अपनी ज़मीन पर घास डेसूँ, 7 तारीख 5 महीने की 7 तारीख मैंने लोन निकलवाई, वो कागज मेरे पे कागज हंगवा के अब मैंने अपनी बैग तैयार करी, अब अगर एजेंटी हो आए सामान वापस कर दी। रिश्ता टूटने पर मायूस हुए लड़की के भाई की माने तो लड़के पक्ष ने 4 लाख के साथ साथ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की भी मांग की थी, वो देने में असमर्थ थे। ये सब एक सदमे के जैसा है। वो इसकी शिकायत थाने में देने की बात तो कर रहे हैं ताकि उनकी बहन को इंसाफ मिल सके। जी हमने मालव गांव में अपनी बहन की सगाई करी थी, तो उसके बाद में हमने ब्याह भेज दिया। ब्याह भेजने के बाद में वो जो सामान था वो हमने वो बुलाए भी अपना सामान ले लो दहेज का। उन्होंने कल वो नूह आए थे, नूह आने के बाद में हमने ये सारा सामान उनकी पसंद से सामान दिवाया था, अपनी गाड़ी करके लेकर आए थे वो सब। उन्होंने हमारे साथ में सामान रखवाया था, घर ले जाने के बाद में फिर उन्होंने हमको कॉल की कि हमको तो ये सामान हल्का सामान, हमको तो ज़्यादा सामान चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए और 4 लाख की नकदी चाहिए, अगर ये हो तो हम रिश्ते रखते हैं, नहीं तो हम बारात नहीं लेकर आएंगे। पहली तारीख की सातवें महीने में पहली तारीख की शादी है जनाब, आज 27 तारीख है, 3 दिन शादी के रह रहे हैं। तो उसके बाद में हमने उनसे कहा भी, मैंने कि भाई बैठ के बात कर लो, हम तो गरीब आदमी हैं, अपना जमीन वमीन रख के तो अपने ब्याह शादी कर रहे हैं लड़कियों की। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने नहीं हमको तो ये सामान चाहिए चाहिए, अगर दो तो ठीक है, नहीं तो अपना सामान यहाँ भी ले जाओ। तो हमने आज को उनको टाइम दिया था, टाइम देने के बाद में हम इतने घर से ना आ पाए, इतना उन्होंने कॉल आ गई जी आपका सामान नूह अनाज मंडी में पड़ा, अपने को ले जाओ, हमको तुमसे रिश्ता नहीं रखना, अगर ये सामान हमारी डिमांड पूरी नहीं करते हो तो। वो डिमांड कर रहे हैं जी सारा, तो हमको सागवान का तो पूरा फर्नीचर चाहिए। अच्छा। और पूरी तगड़ी चद्दर में संदूक, हम बाइक की उनकी बात थी, हम बाइक देने की बाइक भी देते हैं उनको, अब गाड़ी की मांग करेंगे, हमको गाड़ी चाहिए। कौन सी गाड़ी मांग रहे हैं? वे गाड़ी बड़ी गाड़ी डिजायर मांग रहे हैं जी। शिकायत की आपने जी? अभी 112 पे कॉल करिए जी, 112 यहाँ पे आई पड़ी है, तो अब शिकायत देंगे पुलिस को, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, हमारे साथ इंसाफ हो बाबूजी। जो अब हम 1 तारीख को किसके सबको नौता दे रखा, सबको फोन कर रखा बाबू जी, अब किस किस को अपना पूरा टेंट का सामान सारा जो सीधा है खाने पकाने का सटेटा घर पे है, घर पे सारे बालक रोराट मचा हुआ है। अब कल से तो ईद आ रही है, जब हम ईद किस तरीके से मान पाएंगे, अगर ये सदमा हमको लग जाए, हमारी बहन की शादी टूट जाए, तो हम किस तरीके से इस ईद को मान पाएंगे? बेटी की शादी में पिता बेशक खुद बिक जाए, लेकिन ससुराल वालों का मान कभी कम नहीं होने देता, उनके सिर आगे झुकाकर खड़ा रहता है। दहेज की आग में ना जाने कितनी बेटियां ही नीलाम होती आई हैं, समाज आज भी दहेज का खुली बाहों से स्वागत कर रहा है, ये विडंबना नहीं तो और क्या है। नू से AK बाघेल,
पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।